मंत्री भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत बड़े शाम से आप लोग कर रहे हैं, पूरी खोज के साथ आप लोग कर रहे हैं, जोर जोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कानून सुबह में स्वागत में अभिनंदन में गांव बंबू से ढोल नगाड़ों के साथ वसुंधरा राजे का स्वागत अभिनंदन यहां किया जा रहा है, जिसमें गांव बंबू तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू से ये आप दर से देख सकते हो काफी संख्या में यहां भीड़ है वो नजर आ रही है। काफी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक झलक पाने के लिए, वसुंधरा राजे की एक झलक देखने के लिए मूर्ति अनावरण समारोह भंवर लाल जी जानी पूर्व सरपंच किसान नेता गांव बंबू के तहसील विदासा जिला चूरू से जानी परिवार जिन्होंने यहाँ बेहतरीन व्यवस्था की है सबकी उपस्थिति में, और आज उनकी जो मूर्ति है उनका अनावरण समारोह है जो गांव के अंदर नोखा सीकर हाईवे है वहां उनकी जो मूर्ति है वो बनाई गई है, उस मूर्ति का अनावरण समारोह है वो किया गया है। उसके समारोह के बाद जो ये सभा स्थल है मंच है यहां से जो जनता है जन समूह उपस्थित है उनको यहां संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पहुंच चुकी है गांव बंबू तहसील बिदासर जिला चूरू में, जहां पर पूर्व जो सरपंच रह चुके किसान नेता है उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह किया जा रहा है और वसुंधरा राजे का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है चुनरी ओढ़ाकर। यहां पर जो आप देख सकते हो यहां भवनलाल जी जो जानी है ग्राम बंबू से पूर्व सरपंच थे उनकी मूर्ति का अनावरण का समारोह बंबू में रखा गया है, जिसमें यहाँ प्रसाद की भी भोजन की व्यवस्था की गई है और काफ़ी संख्या में जो बाहर से आने वाले आगंतुक है मेहमानगण है ग्रामवासी है उन सभी के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था बड़े ही सुचारू रूप से यहाँ की गई है, इसमें आप भोजन और प्रसाद पा सकते हो। तो ये आप भीड़ देख रहे हो ग्राम बंबू तहसील बिदासर जिला चूरू से स्वर्गीय श्री भवनलाल जी जानी किसान नेता पूर्व सरपंच ग्राम बंबू के उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह यहाँ किया जाएगा, कुछ ही देर में यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच रही हैं।